चुका है, बस तैयार किया जा रहा है। तो दुनिया आपके फेल होने का वेट कर रही होती है, एंड देन जब आप थ्राइव करते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान आज पहला मैच खेला जा रहा है एशिया कप का। आए ये सब सुनते हैं इंडिया मीडिया की ज़ुबानी। इस मैच में बाबर आजम ने 150 रन और इफ्तखार अहमद ने 100 रन बनाए। कॉन्फिडेंस हम पे प्रेशर नहीं है, हम पे कॉन्फिडेंस है। आज करके जरूर दिखाया।
शुरू में स्लो था, बाद में इफ्तिखार ने आके तेज करा, बट साथ में जब विकेट गिर गई तो टेंशन थी, कैच जरूर ड्रॉप हुई, सबकी होती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं जो कल से बोल रहा हूँ, यू कैन टॉप द टॉप, बातें सब कर सकते हैं, शायद आपने बोला था। कल ही टीम अनाउंस कर दी, आज इसने बोला भाई प्रेशर है, जो मर्जी हमें कॉन्फिडेंस है। नेपाल की टीम को इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन नेपाल की टीम ने भी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था चार विकेट के बाद। बट ये आदमी का जो मैं शुरू से इनके बारे में बोल रहा हूँ, एक चीज है बाबर आजम के बारे में, अपनी विकेट पे प्राइस लगाना, जो सुनील कुमार यादव नहीं करते ना ओडीआई में, जो शायद आपके हमारे और भी बैटर है जो नहीं करते। लेकिन बाबर आजम से सीख, संजू सैमसन को सीखना चाहिए कैसे एक इतने कंजूसी से खेला जाता है कि भाई अपनी चांसेस नहीं देनी बॉलर को। बाबर आजम से सीखने वाली बात है कि अपनी विकेट नहीं देनी तो नहीं देनी। और आज सबसे जरूरत, आप सोच रहे नेपाल से हार जाते तो क्या हाल हो, और ऑलमोस्ट कैच फंसी गई थी, बट फाइट करते रहे इतनी धूप के अंदर, बॉलर्स के लिए मुश्किल था तो बैटर के लिए मुश्किल है भाई। धूप आज बाबर ने किया है ना, बाबर है, ये उनके पास एक दो खिलाड़ी हैं जो अब आपको पता है कि यही करके देंगे। जब आपके ऊपर सारी नजरें होती है ना, तो दुनिया आपके फेल होने का वेट कर रही होती है, एंड देन जब आप थ्राइव करते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है। देयर इज अ रीजन इस नंबर के बारे में कह रहा हूं, दुनिया की आप छोड़ो, आज बाबर ने तगड़ा किया, जवाब दिया तो जवाब दिया, वहां पर आज इफ्तिखार ने जवाब दिया तो जवाब दिया, बाबर को मार दिया। आपको चाहिए क्या था वहां पर? मैं नेपाल के गेंद खेल लेना, ऑस्ट्रेलिया के गेंद सुन के खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया के गेंद ठीक है, नेपाल की टीम थी आज वहां पर, आप बोलोगे नेपाल की टीम थी, पर कह रहे जो